नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 42,372 की और ये लास्ट वीक की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी यहां पे 150 पॉइंट प्लस में आके क्लोज हुआ, यानी एक रेड ग्रीन वही चल रहा है। ये कैंडल रेड इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि हमने वीक स्टार्ट ऊपर किया था और नीचे क्लोज किया है, इसलिए रेड बनी है। लेकिन इस क्लोजिंग से ऊपर हमने क्लोज किया है 150 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में नजर बना के रखिएगा, ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है। अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया, यानी 41,600 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, तो फिर ये बैंक निफ्टी को पागलों की तरह नीचे लेके आएगी और इसका सपोर्ट जो मिलेगा वो सपोर्ट सीधा 40,100 के आसपास आपको मिलता हुआ दिखेगा। तो नजर बना के रखिएगा 41,600 पे, क्योंकि 41,600 एक स्ट्रांग सपोर्ट है। सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि पिछला जो हमने यहां पर जो रेंज हम बनाए थे, उस रेंज को हमने ब्रेकआउट किया था और वापस आते वक्त पिछले 4 वीक से हम इसी जगह पर सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये नजर बना के रखिएगा, यहां पे अगर गिरावट होगी तो ये कैंडले आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडले बनती हुई दिखेगी। ये कैंडल आपको बड़ी बड़ी कैंडल डेली चार्ट पर भी देखेंगे तो ये कैंडले आपको बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई दिखेगी और बहुत तेजी से बैंक निफ्टी 40,200 40,100 के पास में आ सकता है। तो यहां पर आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी इस लेवल को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है नेक्स्ट वीक में। ध्यान रखिएगा, सैटरडे को बैंक निफ्टी में HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे, HDFC बैंक का रिजल्ट आएगा और वो डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है नीचे की साइड में जाना है। ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड में मैं इंटरेस्टेड तभी होऊंगा बैंक निफ्टी जब बैंक निफ्टी 43,622 के ऊपर क्लोज करेगा। ध्यान रखिएगा, 43,622 ये वीकली चार्ट पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और नीचे की साइड में यहाँ पे 41,600 ये स्ट्रांग सपोर्ट है। जिस साइड में निकले, देखिए इस साइड में अगर ऊपर की साइड हमने ब्रेक भी किया ना तो हम धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, लेकिन ये नज़र बना के रखिएगा अगर नीचे की साइड में हमने ब्रेक डाउन किया ना तो ये मूव बहुत फास्ट मूव आपको मिलेगा। ये मूव 1,000 से 1,200 पॉइंट का मूव तो बिल्कुल फास्ट आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट तरी देखेंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी में जो सपोर्ट निकल के आ रहा था हमारा 50% का, लेकिन यहाँ पे हमारा सपोर्ट नहीं निकल के आ रहा है। यहाँ पे हमारा अभी जो बैंक निफ्टी है वो 38% ही डाउन हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 38% का एक सपोर्ट यहाँ पे जरूर ले रहा है, जो कि इसका 38% का जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 41,600 के आसपास में सपोर्ट है, 41,650 जो ये लो लगाया है ना, ये जो बाउंस बैक बार बार कर रहा है ना, ये 38 जो इस पूरे जो मूव मिला है ना उसका 38% डाउन होकर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से 0.38 का ये सपोर्ट लेके कंटिन्यू यहीं से बार बार ये ऊपर की साइड में जा रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो इसका पहला टारगेट जो होगा वो होगा 50%, ध्यान रखिएगा 40,800 है, और उसके बाद जो सेकंड टारगेट में आएगा वो है 40,000 का यहां पे। तो इन दो लेवल पे आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से अभी ये 38% के रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यू। जो हमें अपमूव मिला था उस अपमूव का रिट्रेसमेंट मिला, वो रिट्रेसमेंट में 38% पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि बहुत अच्छा है कि इस सपोर्ट से अगर बाउंस बैक करता है तो ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में मूव आपको फास्ट नहीं मिलेगा, वो मूव धीरे धीरे जाएगा, लेकिन जो नीचे की साइड का मूव होगा ना वो मूव बहुत फास्ट होगा। आप जितना सोचोगे नहीं उससे तेज मूव नीचे की साइड में बैंक निफ्टी यहां पे करता हुआ दिखेगा। तो यहां पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। ऊपर की साइड में अगर देख ले एक बार, इसको पहले मैं निकाल देता हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल, स्टॉक्स के चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। यहाँ पर देखिए तो एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पर, यहाँ पर भी ट्राइंगल पैटर्न बन रहा, तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक भी अगर इसी बीच में रह के उसके बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है, नेक्स्ट वीक में अगर ब्रेकडाउन करेगा वो तो बहुत तेजी से नीचे की तरफ आएगा, लेकिन अगर इसके बाद इस वीक में भी, नेक्स्ट वीक में भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये धीरे 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 करके 44,200 के पास तक जा सकता है। तो यहां पे आप टारगेट देख सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो। ध्यान रखिएगा उसके बाद पहला रेजिस्टेंस कहां मिलेगा, 622 का रेजिस्टेंस मिलेगा ट्रेंड लाइन के बाद, ऐसा नहीं कि वन वे जाएगा, 622 का रेजिस्टेंस, 622 को क्रॉस करेगा तो फिर ये 44,200 का रेजिस्टेंस लेगा, यानी ऊपर जाते वक्त इसको रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, लेकिन नीचे की साइड में ये बहुत तेजी से नीचे की साइड में करेक्ट हो सकता है बैंक निफ्टी। तो यहां पर नजर बना के आप लोग जरूर रखिएगा। वीकली चार्ट पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पे देखिए ये ट्रेंड लाइन भी लगभग इसी लेवल के आसपास आके कंटिन्यू होल्ड कर रही है, जब हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेंगे तो समझ जाइएगा बैंक निफ्टी यहां पे गिरने के लिए तैयार हो जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।